नमस्कार, स्वागत है आपका satyahindi.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की तीन बड़ी खबरों का विश्लेषण। और प्रोग्राम शुरू करने के पहले आपको एक बार याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से हमारा सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की लिस्ट से। हमारी पहली खबर है कि किस तरीके से कोरोना वायरस का जो एक नया स्ट्रेन है जो कि यूनाइटेड किंगडम में पाया गया है, उसको लेकर काफी हड़कंप मच गया है। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स को भी बैन कर दिया है और भारत ने भी अभी यही नीतिगत एक निर्णय लिया है कि वो अब 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली कोई भी फ्लाइट्स को भारत नहीं आने देगा। तो इससे जुड़ी हुई गतिविधियां आपको बताएंगे। हमारी दूसरी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। जितने भी किसान संयुक्त किसान मोर्चा के जो लोग हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो किसान आंदोलन को और तेज करेंगे और उसको लेकर क्या कुछ गतिविधियां रही हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। और हमारी तीसरी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर प्रशांत किशोर जो चुनाव गुरु हैं उनके एक ट्वीट से काफी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में, अपने ट्वीट में कहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो क्या कुछ डिटेल्स हैं इस खबर के, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। अभी तक तो हम सिर्फ इस बात से जूझ रहे थे कि, और इस इंतजार में थे कि जो कोरोना की जो वैक्सीन है वो कब आएगी। और ब्रिटेन एक ऐसा देश था जहां पर कि वैक्सीनेशन का लोग बहुत इंतजार कर रहे थे। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है और ब्रिटेन को इंक्लूडेड। लेकिन ब्रिटेन में एक अलग तरीके की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और वो ये है, कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया है। अब ये नए स्ट्रेन का नाम क्या है, इस नए स्ट्रेन को हम VUI 2020-1201 बोलते हैं। इसका एक और नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन हम जिसे कहते हैं वो है B.1.1.7। तो इस नाम से ये नया कोरोना स्ट्रेन पाया जा रहा है। और इस कोरोना स्ट्रेन के बारे में सबसे पहले जो यूके के जो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने सितंबर में इसकी डिस्कवरी की थी, लेकिन ये धीरे धीरे एसेक्स और इंग्लैंड और खासकर जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड है वहां पर ये ज्यादा फैला और उसके केसेस जब सामने आए तो अभी दिसंबर के पहले 10 दिनों में ही जो यूके की सरकार है उसको इन्फॉर्म किया गया इसके बारे में। और अब वहां पर इसको लेकर काफी हड़कंप मच गया है। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने तो बिल्कुल ये कहा है कि क्रिसमस की जितनी भी गैदरिंग्स हैं उनको कैंसिल कर दिया जाए और ये समय बहुत जरूरी है कि लोग अपने अपने घर में रहें। और एक लॉकडाउन की स्थिति फिर से वहां पर नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एक सुपर स्प्रेडर हो सकता है, क्योंकि बार बार जो यूके के साइंटिस्ट हैं और जो वहां की जो एक कोरोना वायरस कमेटी है जिसको हम नर्वटैक कहते हैं, तो उस नर्वटैक कमेटी ने ये बताया है कि ये जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, ये 70% ज्यादा इन्फेक्शन फैला सकता है जो आम COVID-19 का वायरस है। और ये कितना लीथल होगा, कितना जानलेवा हो सकता है, इसको लेकर अभी रिसर्चर्स अभी चल रही हैं, क्योंकि एक नया वायरस है और हर तरीके का वायरस अपने आप में म्यूटेट करता है। तो ये जो बताया जा रहा है कि जो नया वायरस है ये शायद इसमें 23 तरीके के अभी बदलाव हुए हैं, जिसको लेकर अभी रिसर्चर्स काफी परेशान हैं। लेकिन सिर्फ अभी ये पता लगाया जा सका है कि इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो 70% ज्यादा है, यानी कि वो ज्यादा तेजी से फैल सकती है। तो अब किन किन देशों ने अपनी फ्लाइट्स, जो ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स हैं, उन पर रोक लगाई है। सबसे पहले आपको बता दें कि आज भारत में ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इस नए वायरस स्ट्रेन को, नए कोरोना वायरस स्ट्रेन को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि हमारा देश अलर्ट पर है लेकिन हमें अभी चिंता करने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, यानी कि उन्होंने कहा है कि इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ में एक भारत की सरकार ने जो नीतिगत फैसला लिया है वो ये लिया है कि ब्रिटेन से आने वाली कोई भी फ्लाइट्स अब भारत नहीं आएंगी और ये इसका इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इसे लागू किया जाएगा 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी कि 11:59 से 31 दिसंबर तक जो भी फ्लाइट्स ब्रिटेन से आने वाली हैं तो उस पर भारत सरकार ने रोक लगाई है।
तो जाहिर सी बात है कि अभी बहुत सारे सवाल खड़े हैं कि अगर अभी तो हम COVID-19 का जो ओरिजिनल वायरस है हम उसे ही नहीं निपट पाए हैं और उसका वैक्सीन अभी आया नहीं है और अभी एक नए तरीके का वायरस स्ट्रेन नजर आ रहा है जो कि ज्यादा फैलता है लोगों में, तो अब सबके मन में ये सवाल है कि क्या जो नई वैक्सीन मार्केट में आ रही हैं उस वैक्सीन का असर इस नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन पर पड़ेगा। और ये जो नया कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन पाया गया है इसमें बताया जा रहा है कि स्पाइक प्रोटीन है और इससे कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो सबके मन में ये सवाल है कि बाकी बीमारियों का क्या होगा, बाकी बीमारियों पर इस कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है इसका क्या असर हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो साइंटिस्ट और जो जीनोम एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि उम्मीद है कि ब्रिटेन में क्योंकि ये नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन पाया गया है और जीनोमिक म्यूटेशंस की स्टडी में यूके को बहुत आगे और अव्वल माना जाता है, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस नए स्ट्रेन के बारे में भी साइंटिस्ट जल्द से जल्द जानकारी देंगे। लेकिन आपको बता दें कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो जॉन हॉपकिंस सेंटर्स हो, चाहे जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज के जो लोग हों उनके एक्सपर्ट्स और जो जीनोम एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई भी वायरस हो वो नियम पूर्वक वो म्यूटेट करता ही है, यानी कि आपस में मिलता है, उसका स्ट्रेन बदलता है, कभी कभी वो स्ट्रेन ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, कभी कभी कुछ हल्का फुल्का होगा। लेकिन अब ये जो अलग अलग वायरस के स्ट्रेन आते हैं ये कभी कभी ह्यूमन टू एनिमल्स यानी कि इंसान मनुष्यों से जानवरों में जाते हैं या जानवर से मनुष्यों में आते हैं, तो उसको लेकर बहुत सारी अभी प्रश्न खड़े हैं कि ये जो नए वायरस का स्ट्रेन है ये कहां पाया गया, कैसे पाया गया, क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन था या ह्यूमन टू एनिमल इन्फेक्शन था, तो ये सारे सवाल अभी खड़े हैं। लेकिन फिलहाल ये एक चिंता की बात जरूर है कि अभी कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन को जल्द लाने की बात कही जा रही है, लेकिन ज्यादातर जो विश्व के देश हैं वहां पर जो कि कोरोना से ग्रसित थे वहां पर वैक्सीन अभी भी बहुत महीने दूर बताया जा रहा है। और ऐसे में एक नए वायरस स्ट्रेन का आना और इस तरीके से जो खबरें आ रही है कि बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में डर, लोगों के मन में भय, लोगों के मन में एक एंग्जाइटी है और उसे कैसे दूर हो करेंगे। लेकिन वही बात है कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज्यादा काम आएगा, आपको जो एहतियात खुद से बरतने हैं वो सबसे ज्यादा बरतने होंगे। और जिस तरीके से त्योहारों में गैदरिंग्स होती हैं और जैसा यूके में भी क्रिसमस गैदरिंग्स पर बैन लग गया है, उसको लेकर लॉकडाउन को लिफ्ट किया गया था लेकिन उस बैन को वापस रीइम्पोज किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग ही मूल मंत्र है और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो जो सामाजिक दूरी है, वो हमें अभी कहीं ना कहीं बनाकर जरूर रखनी पड़ेगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइए। मैं अगली खबर की ओर चलती हूं। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। आपको बता दें कि 26 नवंबर से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था और अब जबकि बार बार ये खबरें आ रही हैं कि सरकार के तरफ से अभी कल जो कृषि सचिव हैं यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं विवेक अग्रवाल, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी 40 किसान यूनियन को कि सरकार खुले मन से उनके साथ संवाद करना चाहती है और उन्हें कोई भी इस बात में कोई इल्म नहीं है कि वो जितनी भी बातें हैं किसानों की वो मानने के लिए तैयार है, लेकिन कृषि कानून को वापस लेने की बात अभी केंद्र सरकार की तरफ से कहीं से भी नहीं आ रही है। और इस बीच लेकिन किसान यूनियंस ने अपने आंदोलन को और तेज करने का निर्णय ले लिया है। आपको बता दें कि किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज सोमवार के दिन करीब 11 किसान भूख हड़ताल पर थे और अब 24 घंटे पूरे होते हुए ये बताया जा रहा है कि इसमें और किसान इसमें भूख हड़ताल में जुड़ जाएंगे। 27 दिसंबर की प्लानिंग किसानों ने अभी से शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि 27 दिसंबर को 11 बजे जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए पूरे देश से बात करेंगे, तो उस पूरे कार्यक्रम के दौरान जितने भी किसान हैं वो थाली पीटेंगे और अपनी बातों को कहेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इन किसान यूनियंस ने ये भी निर्णय लिया है कि बाकी जितने देश हैं जहां पर किसान परिवारों के जो युवक हैं युवतियां हैं वो जाकर अलग अलग देशों के दूतावास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। आपको याद होगा कि इसके पहले भी कनाडा और कई जगह दूतावासों के सामने से प्रदर्शन की खबरें आई हैं, जिसको लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी बोला था और उसका असर ये दिखा था कि यहां पर स्ट्रेन टाइज नजर आ रहे थे भारत और कनाडा में, तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक हिट भी होगा, इसको लेकर भी ये किसान सारे तैयारी में हैं। लेकिन 25 से 27 दिसंबर के बीच ये बताया जा रहा है कि जितने हरियाणा के जो टोल प्लाजाज हैं उनको टोल प्लाजाज को फ्री करने
करने की बात भी सरकार ने कही है, किसानों ने कही है। और साथ में जितने भी एनडीए के सांसद हैं उनसे मिलने का कार्यक्रम इन किसानों ने बनाया है। लेकिन इधर बीच आपको ये बता दें कि जो केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि नहीं ये तो आंदोलन सिर्फ हरियाणा का है और कुछ किसान ये जो बात बार बार केंद्र सरकार की तरफ से कही जा रही थी कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों का है, तो आपको बता दें कि तमिलनाडु से भी किसानों ने अब निर्णय लिया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली की तरफ वो आगे बढ़ेंगे और अगले 2 से 3 दिनों में वो भारी संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे। उधर नासिक से बहुत सारे किसानों ने अब अपनी एक व्हीकल मार्च निकालने की के लिए डिसाइड किया है और अब वो अगले 2 या 3 दिन में दिल्ली वो लोग भी पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह आंदोलन और तेज हो रहा है और जो बार बार केंद्र सरकार का ये कहना है कि नहीं वो कृषि कानून वापस नहीं लेगा, लेकिन जो भी बदलाव है उसके लिए वो तैयार है। लेकिन किसानों का ये कहना है कि अगर हम 12 से 20 पॉइंट्स हम देते हैं और उसमें से करीब 13 या 14 पॉइंट्स में सरकार बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, तो यानी कि पूरे जो तीनों कृषि कानून का ढांचा है उसमें कोई ना कोई खामियां हैं, इसलिए इन तीनों किसान कृषि कानून को सरकार वापस ले और उसको नए तरीके से उनके लिए पेश करे। लेकिन आपको इधर बीच ये भी बता दें कि जो बीजू जनता दल है, उड़ीसा की जो रीजनल पार्टी है, उसने किसानों का समर्थन एमएसपी के उस पर किया है और ये भी कहा है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको पूरी तरह से केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2-3 दिन पहले कहा था कि उन्हीं की एक सरकार है जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जिन्होंने लागू की है। लेकिन आपको यह बता दें कि किसानों का यह कहना है कि 2 या 3% का इम्प्लीमेंटेशन जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट का है उससे कोई फायदा नहीं होगा किसानों की जिंदगी पे। अगर किसानों के भविष्य को वाकई में उज्जवल करना है तो स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे पूरी 100% लागू किया जाए, तभी शायद किसान खुश हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर आंदोलन तेज है, गतिरोध बना हुआ है। अब वेकेशन बेंच में जो सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच है वो मिलेगी, तब समिति का गठन होगा, उससे क्या वाकई में कोई हल किसानों की समस्याओं का निकलेगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन गतिरोध बना हुआ है, आंदोलन कहीं से भी धीमा पड़ता नजर नहीं आ रहा है, तो क्या ऐसे में सरकार झुकेगी ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आपका क्या सोचना है फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूं। अब बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के राजनीति की, जो दिन पर दिन और रोचक होती चली जा रही है। अभी आपने देखा था कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के इतने सारे नेता बीजेपी जाकर ज्वाइन कर रहे थे और बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में और ताकतवर हो रही है। ऐसे में जो चुनाव गुरु हैं, जिनको हम चुनाव के स्ट्रेटजिस्ट मानते हैं और चुनाव के कैंपेन मैनेजर, एक बहुत ही जाने माने जो चुनाव के मैनेजर हैं प्रशांत किशोर, आज उनके एक ट्वीट ने हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि बीजेपी विल स्ट्रगल टू क्रॉस डबल डिजिट्स एंड इफ बीजेपी डज बेटर आई एम गोइंग टू क्विट दिस स्पेस। यानी कि प्रशांत किशोर का ये कहना है कि अगर बीजेपी की 10 सीटें भी आ गई पश्चिम बंगाल में तो वो जो ट्विटर का स्पेस है, ट्विटर पे वो बहुत पॉपुलर माने जाते हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो ट्विटर का स्पेस छोड़ देंगे। और साथ में उन्होंने इस बात के लिए अंदेशा दिया है कि जो ये सारी बातें हो रही हैं कि बीजेपी ताकतवर बन रही है, तृणमूल कांग्रेस की एक प्रतिद्वंद्वी के पार्टी के रूप में नजर आ रही है, तो प्रशांत किशोर का जो आज ये ट्वीट आया है ये अपने आप में एक एजेंडा सेट करता है, टोन सेट करता है कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की, क्योंकि बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि बीजेपी को। और उन्होंने साथ में ये भी लिखा है, आपको ध्यान दिला दें कि जो ट्वीट अगर आप ध्यान से पढ़े एक प्रशांत किशोर का, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी को समर्थन करने वाला मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई और हकीकत पश्चिम बंगाल में यह है कि बीजेपी की 10 सीटें भी नहीं आएंगी। अब प्रशांत किशोर कौन है, उनकी इन बातों को अहमियत क्यों दिया जाता है? प्रशांत किशोर की बातों को अहमियत इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 2021 में पश्चिम बंगाल के होने वाले चुनाव में अब वो तृणमूल कांग्रेस का कैंपेन संभालेंगे। कैंपेन संभालने का मतलब ये होता है कि वो क्या नारे यूज करेंगे, क्या स्लोगन्स यूज करेंगे, उनकी कैंपेन स्ट्रेटजी का क्या कैसी होगी, किन इलाकों में पार्टी पहले जाएगी, क्या बोलेगी, किसके नेता कब किसको इंटरव्यू देंगे, ये सारा काम एक इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट का होता है जो कि प्रशांत किशोर अब ममता बनर्जी के लिए करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर का जो सक्सेस रेट है, जो स्ट्राइक रेट है, वो बहुत ज्यादा हाई है।
क्योंकि आपको ये बता दें कि वो पेशेवर एक चुनाव विशेषज्ञ माने जाते हैं, पेशेवर चुनाव मैनेजर जाने जाते हैं, और 2014 में उन्होंने बीजेपी के लिए कैंपेन स्ट्रैटेजी तैयार की थी, फिर 2011 के गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कैंपेन स्ट्रैटेजी तैयार की थी, इसके अलावा दिल्ली में आम आदमी पार्टी, उधर आंध्रा में वाईएसआर कांग्रेस, उधर पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार के लिए किया था, बिहार में जेडीयू, और अब 2021 में यह भी बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ वो तमिलनाडु में डीएमके का साथ भी देंगे कैंपेन की स्ट्रैटेजी बनाने में। लेकिन अब आपको ये बता दें कि जो बहुत सारे तृणमूल के जो लीडर्स हैं वो बहुत इस बात से नाराज हैं कि किस तरीके से जो प्रशांत किशोर पार्टी में सुझाव देते हैं वो कहीं ना कहीं अंदरूनी मामलों में एक हस्तक्षेप माना जाता है। इसको लेकर टीएमसी के नेताओं में बहुत नाराजगी है, और उनमें से जो नाम शामिल है वो शुभेंदु अधिकारी और सुनील मंडल का भी नाम है, जिन्होंने भी अभी परसों ही तृणमूल छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है। अब आपको ये बता दें कि कई नेता हैं, मुकुल रॉय ने भी जब पार्टी छोड़ी थी 2017 में तृणमूल कांग्रेस, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि अब तृणमूल की 100 सीटें भी आना मुश्किल है। तो अब ये जो पूरा नैरेटिव बनता जा रहा है कि बीजेपी की कितनी सीट्स आएंगी, लेकिन आपको बता दें कि जो लेफ्ट और कांग्रेस है उसका स्पेस पश्चिम बंगाल की राजनीति से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खत्म है, और जहां पर मौजूद भी है वहां पर अब बीजेपी उनको कोशिश करेगी कि वो अपने खेमे में ले ले। अब आपको ये बता दें कि लोकसभा के चुनाव में 100 से ज्यादा विधानसभा सीट थी जहां पर बीजेपी आगे थी, पंचायत के चुनाव में बीजेपी आगे नहीं रही बल्कि सेकंड नंबर पर थी, यानी कि इस समय जो कांटे की टक्कर है पश्चिम बंगाल में वो बीजेपी और तृणमूल के बीच में है। लेकिन इन तमाम कवायदों के बीच जो राजनीतिक हलचल इस समय चल रही है, चाहे वो जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पर हमला हो, कैलाश विजयवर्गीय के कमेंट्स हो, चाहे दिलीप घोष के अनाप शनाप कमेंट्स हो, ममता बनर्जी का करप्शन, उनका गुंडाराज, चाहे वो राज्यपाल जगदीप धनखड़ की बातें हो, और वो किस तरह से राष्ट्रपति के पास उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी संविधान को भूल चुकी हैं और वहां पर गुंडा राज है, करप्शन बहुत ज्यादा है, तो इन तमाम नैरेटिव के बीच में जो बंगाली वोटर है, जो बंगाली वोटर है, उसके मन में क्या चल रहा है? बहुत सारे नैरेटिव्स हैं, इनसाइडर आउटसाइडर, रीजनलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म, तो ये सारे जो नैरेटिव्स हैं उनको ये पार्टीज बनाने की कोशिश कर रही हैं। अगर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि नहीं, अगर बंगाल का कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो बंगाली ही होगा, उसको लेकर बीजेपी ने कहा है कि नहीं, हम नेता तो सारे बाहर से आकर कैंपेन करेंगे लेकिन बंगाली ही कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा। तो लेकिन इसको लेकर एक बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी के अगेंस्ट बीजेपी किसको खड़ा करेगी? तो बीजेपी की अभी रणनीति नहीं है, उन्होंने कोई नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ वो किसको खड़ा करेंगे। तो उनकी रणनीति साफ है कि ये जो पूरा है ये एक बिल्कुल प्रेसिडेंशियल चुनाव की तरह होगा, फिर से नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी उपलब्धियों को गिनाया जाएगा, राष्ट्रीय मुद्दे गढ़े जाएंगे, उसके अलावा जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसकी राजनीति भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये कहा गया है कि जैसी कोविड खत्म होगा उसके बाद हम सीए और एनआरसी को लेकर आएंगे। तो ये तमाम जो नैरेटिव्स हैं इनके बीच में अब ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी पश्चिम बंगाल के वोटरों को ज्यादा कन्विंस कर पाती है, ममता बनर्जी या फिर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अपने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएगी और ममता बनर्जी ये बताएगी कि कोविड के टाइम वही एक ऐसी पार्टी थी जो जगह जगह गली गली लोगों के घर घर जाकर उन्होंने राशन दिया, लोगों को पानी दिया। तो ये तमाम उपलब्धियों के बीच अभी देखना होगा कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है जो मई 2021 में होना है, काउंटडाउन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो देखना ये होगा कि बंगाली वोटर किस तरफ ड्रिफ्ट करता है। तो आज की एजेंडा की जो तीन स्टोरीज थी उसमें इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, और चलते चलते एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।